एपिसोड 102। ग्लोरिया गहरी नींद में थी। मैंने उसे झंझोड़कर जगा दिया। उठो, इलाके पर पुलिस ने रेड किया है। ये यकीनन पीटर की हरामजदगी है। इससे पहले कि दिलावर और उसके आदमी पुलिस से मुकाबला करें, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैडम के लिए कोई खतरा नहीं है। अचानक पीछे से दिलावर की आवाज़ आई। फौरी तौर पर तो कोई उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैंने अपनी औरतों में भेज दूंगा। फिर किसकी जरूरत है कि दिलावर के घर की औरतों में मैडम को तलाश करें। मैंने बलोची लिबास भी दिलवा दूंगा। इसका मतलब है कि खतरा सिर्फ मेरे लिए है, मैंने कहा। ठीक है ग्लोरिया, तुम यहाँ रहो, और कहीं जाना भी पड़े तो दिलावर से कॉन्टैक्ट में रहना। मुझे उसी के जरिए तुम्हारा पता मिल जाएगा। फिर मैंने राइफल को संभल करते हुए कहा, अब मैं चलता हूँ। ठहरे कामरान साहब, दिलावर ने कहा। अब्दुल समद आपके साथ जाएगा। वो यहाँ की ऐसी गलियों से वाकिफ है जहाँ पुलिस की मोबाइल नहीं जा सकती। पैदल पुलिस वाले उन पुरपेज गलियों में घुसने की जरूरत नहीं करते। बस एक डेढ़ फरलांग तक आपके लिए खतरा रहेगा। अगर वहाँ से आप हैरियत के साथ गुजर गए तो फिर पुलिस आपकी गर्द को भी ना पा सकेगी। मैं मेन रोड पर आपकी गाड़ी भिजवा दूंगा। अब्दुल समद को मालूम है कि गाड़ी आपको कहाँ मिलेगी। अच्छा मेरे दोस्त, मैं दिलावर से बगलगीर हो गया। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मौत साय की तरह मेरे साथ चलती है। अब तो तुम्हें भी यकीन आ गया होगा। अल्लाह हाफिज। आप अपनी गर्ज के लिए नहीं बल्कि कौम की गर्ज के लिए लड़ रहे हैं। अल्लाह तो नियत का हाल जानता है। फिर उसने अब्दुल समद को बुलाया और उसे बलोची जुबान में कुछ हिदायत देता रहा। मैंने एहतियातन जीन्स और जैकेट के ऊपर बलोची तर्ज की ढीली ढाली शलवार और लंबा ढीला कुर्ता पहन लिया था ताकि पुलिस वालों को शुभ ना हो। उनका घेरा लम्हा ब लम्हा तंग होता जा रहा था। मेरे जिस्म पर एक चादर थी जिसके नीचे मैंने राइफल छुपा रखी थी। इस दौरान में पुलिस का कोई अफसर मेगाफोन पर चीखने लगा, खुद को कानून के हवाले कर दो कामरान, हम जानते हैं कि तुम यहाँ छुपे हुए हो। ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा और दिलावर के हक में भी। क्या बकवास करता है, दिलावर भन्नाकर बोला और सबसे ऊपर की ग्रिल का जीना चढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे दो खूंखार किस्म के मुसल्ला गार्ड्स भी थे। छत पर पहुंचकर दिलावर चीख कर बोला, क्यों शोर मचाया है तुम लोगों ने। हमें इत्तला मिली है कि कामरान यहाँ छुपा हुआ है, उसे हमारे हवाले कर दो। आपका इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट इंस्पेक्टर साहब, वो खंजीर छुपा नहीं था बल्कि गन पॉइंट पर माल लेकर चला गया। उसके साथ वो अमेरिकन छोकरी भी था। मगर हम तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे, हम तुम्हारी बात पर कैसे एतबार कर लें। दिलावर बुजदिल नहीं है इंस्पेक्टर साहब, अगर तलाशी का वारंट है तो शौक से तलाशी ले लो, मैं जब तक आईजी साहब से बात करता हूँ। ये ऑर्डर्स बहुत ऊपर से आए हैं बेटे, इसलिए आईजी तो क्या, गवर्नर भी कुछ नहीं कर सकेगा, इंस्पेक्टर ने तंजिया लहजे में कहा। मगर कामरान गया कहाँ है, वायरलेस पर तो मैंने इस पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी थी, यहाँ से तो चूहे का बच्चा भी बाहर नहीं निकल सकता था। ये मालूम करना तो तुम्हारा काम है इंस्पेक्टर, वो मरदूद तो मुझे भी लूट गया। अब भी तुम्हें एतबार नहीं है तो तुम मेरे घर की तलाशी ले सकते हो। मैं इतना तावुन करने को भी तैयार हूँ कि अगर तुम्हारे पास तलाशी का वारंट ना भी हो तो शौक से तलाशी ले लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं जानता था कि दिलावर उस वक्त इंस्पेक्टर को नफसियाती मार मार रहा है। उसने बगैर वारंट तलाशी के सिलसिले में अपने तावुन का यकीन दिलाकर गोया इंस्पेक्टर की आधी हमदर्दियाँ तो हासिल कर ली थी। तलाशी तो खैर मैं लूँगा, और तुम क्या समझते हो कि मैं यहाँ बगैर वारंट के दौड़ा चला आया हूँ। तलाशी का वारंट भी मुझे बहुत ऊपर से मिला है। ये तुम बहुत ऊपर की गर्दान करके साबित क्या करना चाह रहे हो। दिलावर ने यह कहते हुए सरवर को इशारा किया कि तुम कामरान को लेकर निकल जाओ, मैं इतनी देर तक इंस्पेक्टर को बातों में लगाता हूँ। क्या कामरान की गिरफ्तारी का हुक्म अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट तुम्हें मौसूल हुआ है। मगर मसला मेरे घर की खवातीन का है, क्या तुम जनाना हिस्से की भी तलाशी लोगे। उस वक्त तक मैं जीना उतर कर सरवर के साथ नीचे पहुंच गया था। जनाना हिस्से की तलाशी को मर्द नहीं लेगा, बल्कि मैं दो लेडी कांस्टेबल भी साथ लाया हूँ। सर्वर मुझे एक वाटर टैंक के पास ले गया, फिर उसने वाटर टैंक का ढकना उठा दिया। पहली नज़र में मुझे वो वाटर टैंक ही नज़र आया था, मगर उसमें लोहे की सीढ़ियाँ थीं। सर्वर ने एक टॉर्च रोशन की और सीढ़ियाँ उतरते हुए मुझे भी पीछे आने का इशारा किया। वो बिल्कुल उसी तरह की हानि सीढ़ियाँ थीं जैसी आमतौर पर वाटर टैंक में होती हैं। सर्वर ने मुझे बताया कि अब हमारे निकलते उस टैंक को पानी से फुल कर दिया जाएगा। वो खासा गहरा टैंक था। उसके निचले हिस्से में बाएँ जानब ऐसा दरवाज़ा था जैसी उमूमन बहरी जहाज़ों में खिड़कियाँ होती हैं। सर्वर ने वो खिड़की खोली और दूसरे लम्हे हम खुली और ताज़ा हवा में सांस ले रहे थे। ये जगह है तो दादा के इलाके में, मगर उन लोगों का इधर ख्याल नहीं आ सकता क्योंकि बीच में एक बहुत चौड़ा गंदा नाला है। अभी आप लोग को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, हम लोग वो गंदा नाला तैर कर पार करेगा। इसमें तैरना भी बहुत मुश्किल है, एक तो उधर बदबू ऐसा है कि एक हफ्ते तक मगज़ में घुसा रहता है, फिर उसका पानी गंद की वजह से भारी है,
तैरने में रुकावट होती है। और इस राइफल का क्या किया जाए, ये तो पानी में खराब हो जाएगी, मैंने पूछा। अचानक किसी सिम से फायर हुआ और सर्वर चीख कर जमीन पर गिर गया। मैं भी बल्कि सूरत से जमीन पर लेट गया। सर्वर मुझसे ज्यादा दूर नहीं था। मैं रेंगता हुआ उसके नजदीक पहुंचा तो वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। उसने कहा, दादा ने हमें तुम्हारा वास्ते गार्ड बनाकर भेजा था, मगर जिंदगी धोखा दे जाए तो बंदा क्या करे। राइफल को लोड करके इस थैली में लपेट लेना और सामने वाले बिल्कुल सीध में जाकर नाले तक पहुंचना। ये टॉर्च भी रखो और मेरा रिवॉल्वर भी। स्मिथ एंड ब्राउन का जबरदस्त रिवॉल्वर है। उसकी आवाज टूटने लगी। ये तुम कैसी मायूसी की बातें कर रहे हो सर्वर। मैंने उसे तसल्ली देना चाही मगर मैं जानता था कि अब वो बचेगा नहीं, क्योंकि गोली उसके बाएं जाने दिल से कुछ फासले पर लगी थी। इतनी चांदनी हो रही थी कि मुझे उसका जख्म और उसका बहता हुआ खून साफ दिखाई दे रहा था। अचानक दो फायर हुए और गोलियां मेरे सर के एन ऊपर से गुजर गईं। अपनी फिक्र करो साहब, हम लोग तो अब जाता है। हम जानता था कि एक हमारे यही होगा। हम तो बहुत, ये कहते कहते उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। वो हर गम से आज़ाद हो गया था। चंद फायर मजीद हुए तो मैं लेटे लेटे ही दरख्तों के उस झुंड की तरफ बढ़ा जिसके सामने सर्वर की लाश पड़ी थी। मैंने एक बड़े दरख्त के नीचे खुद को छुपाया और फायरिंग का इंतजार करने लगा ताकि फायर के बाद निकलने वाले शोले के जरिए निशाना लगा सकूं। अचानक कोई उसी दरख्त से कूदा और मुझसे गत्थम गत्ता हो गया। मुझ पर कूदने वाला किसी बलाय नागहानी की तरह मुझ पर नाजिल हुआ था और उसने ऑक्टोपस की तरह मुझे जकड़ लिया था। मैं चूंकि जहनी तौर पर उस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए बेखबरी में मारा गया। वो ना सिर्फ खासा ताकतवर था बल्कि लड़ाई भड़ाई के फन में भी माहिर मालूम होता था। उसने एक लम्हे को तो मुझे चकरा के रख दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे उस दरख्त की कोई भारी भरकम शाख मुझ पर आन गिरी हो जिसके नीचे मैं छुपा हुआ था। फिर उससे गलती ये हुई कि उसने पुश से मेरी गर्दन दबोचने की कोशिश की। यही गलती उसके लिए अजाब बन गई। मैंने अपनी दोनों कोहनियां खासी कुव्वत से उसके पेट में दे मारी। उसके मुंह से कर्पनाक चीख निकली और वो चोट खाई हुई शिपकली की तरह पट से जमीन पर गिर गया। मैंने अगरचे ज्यादा कुव्वत से वार नहीं किया था मगर मुझे खदशा था कि कहीं उसकी दो चार पसलियां ना टूट गई हों। मैंने घूमकर उसका जायजा लिया तो मुझे उसकी सख्त जाने पर हैरत हुई। वो ना सिर्फ होश में था बल्कि दोबारा उठने की कोशिश भी कर रहा था। अंधेरे में मुझे सिर्फ उसका हिवला ही नजर आ रहा था। वो तकरीबन मेरा ही हम वजन लग रहा था। कद के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था मगर जिस्म उसका खूब पलावा और कसरती था। मैंने झपट कर दाएं हाथ से उसकी गर्दन पुश से यूं पकड़ी जैसे सपेरे सांप की गर्दन पकड़ते हैं। ज्यादा जोर लगाओगे तो अपनी गर्दन का मनका तुड़वा बैठोगे, मैंने गुर्रा कर कहा। और हलक से जरा भी आवाज निकली तब भी यही हशर होगा। मैं जो कुछ पूछूं उसका जवाब मुझे सरगोशी में ही चाहिए। कौन हो तुम और मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है। अपने हाथ का दबाव कुछ कम करो तो मैं कुछ बोलूं ना, उसने घुटी घुटी आवाज में कहा। मैंने गिरफ्त कदर नरम कर दी। वो तवील सांस लेकर बोला, ये तुम्हारा हाथ था या कोई आनी शिकंजा या डिवाइस थी। बातें बनाने के बजाय जो कुछ मैंने पूछा उसका जवाब दो। कौन हो तुम। नाम तो माँ बाप ने नजीर अहमद रखा था मगर वक्त ने मुझे जीरा बदमाश बना दिया है। बात टू द पॉइंट मुख्तसर करो। मुझे गोरे ने 50,000 रुपए दिए थे और कहा था कि तुम अपने आदमियों को यहाँ छुपा दो। रात में एक मर्द और औरत यहाँ से फरार होने की कोशिश करेंगे। पहले तो कोशिश करना कि वो जिंदा ही तुम्हारे हाथ आ जाए, वरना दोनों को खत्म कर देना। तुम्हारे साथी कहाँ है, मैंने चौंक कर पूछा। मैं अपने साथ किसी को लाया ही नहीं था, खामखा उसे भी हिस्सा देना पड़ता। इस किस्म के मामूली काम तो मैं आमतौर पर अकेला ही कर लेता हूँ। अब तक कई मर्दों, औरतों और बच्चों को अगवा कर चुका हूँ। मेरा अंदाजा है कि यह भी कोई अगवा बराए तावान का चक्कर है, मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मुठभेड़ तुम जैसे खौफनाक आदमी से हो जाएगी। उस गोरे का हुलिया बताओ। जवाब में उसने पीटर का हुलिया दोहरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे माइकल को उन लोगों ने या तो वापस भेज दिया है या फिर फिलहाल उसे पसे पर्दा रखा जा रहा है और ऑपरेशन की कमांड पीटर जैसे घाक आदमी को सौंप दी गई है जिससे कानून का पूरा पूरा तहफ्फुज़ हासिल है। अगर तुम्हारा कोई साथी यहाँ नहीं है तो फिर यह फायरिंग कौन कर रहा था। मेरे ख्याल में उस गोरे को मुझ पर एतबार नहीं था कि मैं ये काम कर सकूंगा। मुमकिन है उसने किसी और पार्टी से भी बात कर ली हो, वरना तुम खुद सोचो, फायरिंग की जद में तो मैं भी था। कोई गोली मेरा भी खात्मा कर सकती थी। उसकी बात में वजन था। अगर उसके साथी वहां मौजूद होते तो वो ये रिस्क हरगिज ना लेते। पीटर के उस इकदाम से अंदाजा हो रहा था कि वो इंतहा जिरक और चालाक शख्स है। एक तरफ उसने पुलिस के जरिए दिलावर के अड्डे का मुहासरा कर लिया, दूसरी तरफ इस मुमकिन जगह पर अपने आदमी बैठा दिए जहां से हम लोग फरार हो सकते थे। पीटर के आदमी दिलावर से माल लेते रहे थे। मुमकिन है उसकी किसी आदमी को खुफिया रास्ते का इल्म हो और दिलावर उसे भूल गया हो।
अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। मैंने पहले अच्छी तरह जीरे की तलाशी ली। उसकी जेब से एक ड्राइविंग लाइसेंस, एक जेबी कंघा, दरे का बना हुआ एक भद्दा सा रिवॉल्वर और लंबे फल वाला शिकारी चाकू था। चाकू और रिवॉल्वर अपने कब्जे में करने के बाद मैंने बकिया चीजें उसे लौटा दी। फिर रिवॉल्वर के चैम्बर भी खाली करके उसे दे दिया और कहा, मैं जैसे कहता हूँ करते जाना, आखिर छुपे हुए दुश्मनों को भी बिलों से निकालना है। तुम ये रिवॉल्वर मेरी गुद्दी पर रखो और चीख कर कहो, ज्यादा चालाक मत बनना वरना मैं गर्दन में सुराख कर दूंगा। मुझे अफसोस है कि तुम्हारा दूसरा साथी मारा गया, वरना मुझे तो ये हुक्म मिला था कि मैं तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करूं। अब पता नहीं मरने वाली औरत है या मर्द। जीरे ने यही किया, उसने ना सिर्फ रिवॉल्वर मेरी गुद्दी पर रख दिया बल्कि मुझसे लेकर टॉर्च भी रोशन कर ली ताकि छुपे हुए लोग आसानी से ये मंजर देख सकें। मैंने हाथ ऊपर उठा रखे थे और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। जीरे ने ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए मेरी कमर पर एक जोरदार लात मारी और चीख कर बोला, ये तू अपने बाबा के पायवाक में चहलकदमी नहीं कर रहा, जल्दी से आगे बढ़। वो कमबख्त यूं भी गेंडे की तरह मजबूत था, फिर उसकी गैर मुतवक्को लात ने मेरे होश गुम कर दिए। मैं लड़खड़ाता हुआ कई कदम आगे चला गया। उसके साथ ही वहां कई टॉर्चेस रोशन हो गई। ये भी गनीमत था कि मैंने अंधेरे का फायदा उठाकर अपना रिवॉल्वर नहीं निकाला, वरना पहले मेरा यही प्लान था कि अपना रिवॉल्वर लोड करके हाथ में रखूंगा, औसत पे जो भी आएगा उसे बिला दरे उड़ा दूंगा। मेरा अंदाजा था कि हमलावर दो या तीन से ज्यादा नहीं होंगे, मगर वो चार थे। जीरा अगर मेरी कमर पर लात रसीद ना करता तो शायद मैं रिवॉल्वर निकाल चुका होता, फिर सारे का सारा प्लान धरा रह जाता। और प्लान ही क्या, वहां हम दोनों की लाशें धरी रह जाती। वो चारों मुख्तलिफ सिमतों से दरख्तों की आड़ से निकल कर आए थे और हाई पावर के टॉर्चेस अब भी रोशन थी। उनके हाथों में इंतहाई खौफनाक और दुनिया की मोहलिक तरीन राइफल्स यूजी थी। हथियारों को देखते परखते और इस्तेमाल करते इतना अरसा हो गया था कि अब मैं सिर्फ किसी भी राइफल या रिवॉल्वर की सिर्फ झलक देखकर बता सकता था कि वो किस मुल्क का बना हुआ है और किस हद तक मोहलिक और हलाकत खेज है। हमें घेरने वालों में दो गैर मुल्की थे, उनके दराज कद और जिस्म कसरती थे, बाकिया दो मकामी थे मगर वो भी चेहरों से सफाक लग रहे थे। उनमें से गैर मुल्की उर्दू में जीरे से बोला, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? मेरे एतमाद के सिर्फ तीन ही आदमी हैं, ऐन वक्त पर उनमें से कोई भी ना मिल सका। मैं चूंकि बॉस से एडवांस ले चुका था इसीलिए काम भी जरूरी था, मैं अकेला ही चलाया। और देख लो, मैंने इस हरामजादे को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है, इसके साथ ही तुम्हारी फायरिंग की वजह से मारी गई है। वो कोई औरत नहीं बल्कि मर्द है, वो अमेरिकन लड़की यहीं कहीं छुपी होगी, गैर मुल्की ने कहा। उसे तलाश करो, अगर वो बच गई तो फिर हम में से कोई भी नहीं बच सकेगा। फिर वो कुछ सोचकर बोला, पहले से बांध दो, ये भी कोई कम उल्लू का पट्टा नहीं है। मुझे तो हैरत है तुम्हारे काबू में कैसे आ गया। बॉस का तो ख्याल था कि इन दोनों को गोली ही मारना पड़ेगी, यूं तो ये कब्जे में नहीं आएंगे। वैसे मैं बॉस से सिफारिश करूंगा कि तुम्हारे इनाम की रकम दुगनी कर दी जाए। फिर वो चौंक कर बोला, तुमने इसकी तलाशी भी ली है या नहीं? मुझे आपको सड़क छाप लौंडा समझते हैं क्या? मैं क्या बगैर तलाशी लिए छोड़ देता? चलो बांधो इसे और अमेरिकन लड़की को तलाश करो। बांधने के लिए मकामी आदमियों ने एक मजबूत रेशमी रस्सी का लच्छा निकाला और उसके बल खोलकर मेरी तरफ बढ़ा। वो जो ही मेरे और गैर मुल्कों के नजदीक आया, मैंने बर्की सूरत से अपना रिवॉल्वर निकाला और उससे पहले कि वो कुछ समझ सकता उसकी पेशानी में सुराख हो चुका था। फिर मैंने एक के बाद दीगरे तीन फायर मजीद किए और बकिया तीन आदमी भी कर्पनाक आवाजें निकालते हुए स्लो मोशन में ढेर हो गए। तुम्हारा निशाना भी गजब का है, जीरो ने तौसीफी अंदाज में कहा। इतने कम वक्त में, बल्कि महज चंद सेकंड में चार मुसल्ला आदमियों को ठिकाने लगाना और वो भी पेशानी के ऐन दरमियान में सुराख करना। ये बातें बनाने का वक्त नहीं है, जल्दी से इनकी तलाशी लो और यहाँ से रवाना हो जाओ, वरना ऐन मुमकिन है कोई तीसरी पार्टी भी हमारी ताक में हो। जीरे ने बहुत उजलत और महारत से मरने वालों की तलाशी ली। अपने किसी भी अंदाज से वह अनाड़ी नहीं लग रहा था, उसका हर हर अंदाज बता रहा था कि वो इस मैदान का पुराना खिलाड़ी है। उसने सबसे पहले मोहलिक और बेशकीमत इसराइली साख्ता यूजी राइफल्स पर कब्जा किया और उन्हें फोल्ड करके उसी रस्सी से बांध लिया जिससे मुझे बांधने की कोशिश की गई थी। गैर मुल्कों से स्मिथ एंड ब्राउन के दो बेशकीमत रिवॉल्वर और काफी तादाद में फाजिल मैगजीन बरामद हुए। उन लोगों की जेबों में डॉलर्स और पाकिस्तानी करेंसी की खासी मकदार भी मौजूद थी। मैंने जीरे से कहा, मुझसे तावन करने पर यह रकम तुम रख लो, ये तो बहुत ज्यादा है, आधी आधी कर लो। उसने फरागदली से कहा, मैं कोई कंगाल चोर नहीं हूं, मुझे इस रकम की जरूरत भी नहीं है। मैं तुम्हारी तरह 50,000 में काम नहीं करता बल्कि करोड़ों रुपए तलब करता हूँ। ये रकम तुम मेरी तरफ से नाम में रख लो और अब यहाँ से निकलो। मुझे हैरत थी कि इतनी फायरिंग के बावजूद पुलिस के किसी आदमी ने वहां आने की जहमत गवारा नहीं की। वहां से कुछ फासले पर जीरे की पुरानी मस्ता 1300 मौजूद थी। जीरे ने ड्राइविंग सीट संभाली और रवाना हो गया।
अब तुम्हें क्या परेशानी है, कहीं इस खुद फरामोशी में गाड़ी ना मार बैठना। मैंने कहा, दरअसल मुझे उस गोरे की फिक्र है। जीरो ने पुरख्याल अंदाज में कहा, मैं उसे 25,000 रुपए एडवांस ले चुका हूँ। जब मैं उसे बताऊंगा कि मेरा मिशन नाकाम रहा है तो उसका रद्दअमल क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम कह सकते हो कि तुमने तो मुझ पर काबू पा लिया था, मगर गलत वक्त पर तुम्हारे साथियों ने मामला बिगाड़ दिया। अगर वो लोग मदाखलत ना करते तो शायद अभी जिंदा होते, और कामरान को तो मैंने बेबसी कर दिया था। कामरान? तुम वो कामरान हो? हाँ, मैं वही कामरान हूँ जिसे हुकूमत ने दहशतगर्द करार दिया था। मुझे आपको देखने और आपसे मिलने का बहुत शौक था। इस गोरे ने तो मुझे कत्ल करने का पूरा सामान कर दिया था। मुझे अगर जरा भी अंदाजा होता कि वो आपको अगवा या कत्ल कराना चाहता तो मैं फौरन इनकार कर देता। वो तुमसे अचानक आप पर आ गया था। आपके साथ खातून शायद ग्लोरिया होंगी, उन्हें भी देखने का इश्तियाक है। उसने गाड़ी बाएं जानिब घुमाते हुए कहा। वैसे इस वक्त हम जा कहाँ रहे हैं इश्तियाक साहब? इस वक्त तो मैं अपने घर ही जा रहा हूँ। मैं लालू खेत में रहता हूँ। गोरे को मेरे घर का इल्म नहीं है। उससे शहबाज के पुराने अड्डे पर मुलाकात हुई थी तो उसने मुझसे इस काम के लिए कहा था। वैसे उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर भी दिया था। अगर वह खुद मौजूद ना भी हुआ तो एक मिनट के अंदर अंदर उसे पैगाम पहुँच जाएगा। चंदपुर पेज गलियों से गुजरने के बाद उसने गाड़ी रोक दी और नीचे उतर कर जाते हुए एक नौजवान को आवाज़ दी। कदीर बेटा, जरा मेरी गाड़ी को गैराज में बंद कर दो और मुझे कोई पूछे तो कहना कि यहाँ मौजूद नहीं है। उसने चाबी उस नौजवान के हवाले की। मैंने भी माल मसरूका यानी राइफलों का गट्ठा और अपना ब्रीफ केस उठाया और गाड़ी से बाहर आ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस बदमाश पर किस हद तक एतबार करूँ, एतबार करूँ भी या नहीं। मैं अजीब कश्मकश में पड़ गया था। इतने बड़े शहर में मुझे कोई ठिकाना मैसर नहीं था। मेरे सब ठिकाने दुश्मनों की नजरों में थे, सब साथी मुझसे बिछड़ चुके थे। अचानक मुझे तैमूर का ख्याल आया। उस मसरूफ तरीन चौक पर अपाहिज गाड़ी में भीख मांगने की क्या जरूरत पेश आ गई थी? उसकी खैरखबर भी ग्लोरिया से ही मिल सकती थी या दिलावर से। इसका जरिया भी जीरा बन सकता था। मैं दिलावर को फोन करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। मुमकिन उस मक्कार ने दिलावर के फोन पर ऑब्जर्वेशन लगवा दी हो और वहां से की जाने वाली और मौसूल होने वाली कॉल स्टेप हो रही हो। कोई आम आदमी होता तो मैं ये भी कर गुजरता, मगर मुकाबला पीटर जैसे घाक एजेंट से था जो मिनटों में कॉल ट्रेस करा लेता। मेरा जहन घूम फिरकर फिर जीरे की तरफ चला गया। मुमकिन है वो मुझे अपने पास रोककर पीटर को इत्तला दे देता कि तुम्हारा मतलूबा शिकार मेरे कब्जे में है, अब इस पर नए सिरे से सौदेबाजी कर लो। क्या सोच में पड़ गए कामरान साहब? शायद आप ये सोच रहे हैं कि जीरा कहीं मुझे डबल क्रॉस ना कर दे। अगर मुझे यही कुछ करना होता तो मैं वहीं कर गुजरता जिस वक्त मैंने आपके लात रसीद की थी। उस वक्त मेरे पास इतना मौका था कि मैं लपक कर ना सिर्फ नजदीकी दरख की ओट में हो जाता बल्कि चीख कर उन लोगों को खबरदार भी कर देता। वो इस वक्त बहुत आसानी से आपको जख्मी या हलाक कर सकते थे और आप समझते हैं कि मेरे पास वही एक रिवॉल्वर था। जीरा मुस्कुरा दिया। मेरे पास एक रिवॉल्वर और भी था। उसने अपनी पैंट का दाया पैंचा पिंडली से ऊपर खिसकाया। उसने पिंडली के साथ एक और रिवॉल्वर बांध रखा था। फिर उसने बिजली किसी तेजी से रिवॉल्वर निकाल लिया। इसे निकालने में मुझे इससे ज्यादा देर नहीं लगती और मैं बहुत आसानी से आपको निशाना बना लेता। बातचीत करते हुए हम गली में पैदल ही चल रहे थे। आप शायद चलते चलते थक गए होंगे। असल में यहाँ मकान इतने छोटे हैं कि गैराज का तस्वर भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैंने कुछ फासले पर एक दुकान किराए पर लेकर उसे गैराज बना रखा है। यार जीरे, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ये कहूँगा कि तुम बोलते बहुत हो। जहाँ तक मेरे थकने का सवाल है तो ये बता दूँ कि गुज़श्ता कई सालों से मैं मुसलसल भाग रहा हूँ, कभी दुश्मनों के ताकुब में और कभी अपने दिफा में। छोड़िए इस बात को, मेरा घर आ गया, उसने एक दरवाजे के सामने रुकते हुए कहा। वो गालिबन कच्ची आबादी थी, इसीलिए इलाके के तमाम मकान बेतरतीब और बेढब बने हुए थे। जिसे जहां और जितनी जगह मिली उसने वहां मकान बना लिया था। जीरे का मकान गालिबन 150 गज पर बना हुआ था। दरवाजे पर नया रंगो रोगन भी था और कॉल बेल भी मौजूद थी। उसका मकान शायद इस इलाके के चंद अच्छे मकानों में से एक था। उसने कॉल बेल बजाई तो एक 16-17 बरस की लड़की ने दरवाजा खोला। लड़की इतनी हसीन थी कि लम्हे भर को मेरी निगाहें चकाचौंध होकर रह गईं। शाजिया बेटा, ड्राइंग रूम खोलो, मेहमान आए हैं। जी भैया। ये कहकर वो झपाक से अंदर गायब हो गई, फिर फौरन ही दोबारा नमूदार होकर बोली, आइए। जीरे के पीछे पीछे मैं भी आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ अंदर दाखिल हो गया। वो कातला आलम जिसे उसके भाई ने शाजिया कहकर मुखातिब किया था आगे आगे थी। उसकी चाल में ऐसी कशिश थी कि बेख्तियार दिल उसकी जानब खिंच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बनाने वाले ने बहुत फुर्सत और मेहनत से बनाया हो। अगर वह हसीन आलम के इंतखाब में हिस्सा लेती तो यकीनी तौर पर कामयाब रहती। उसका साचे में ढला हुआ जिस्म इतना मुतनासिब और पुरकशिश था कि मेरी बात तो जाने ही दे कि मैं तो सर से पांव तक गुनाहों में लतपत था। कोई जाहिद पारसा भी उसे देख लेता तो सारी इबादत और रियासत धरी की धरी रह जाती।
उसकी आवाज में भी अजीब सी कशिश और नगमगी थी।